सो हेलो एवरीवन। तो आज देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट नंबर 3। टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं वो, एंड इससे पहले मैंने फुल टेस्ट 2 और जो लाइव मॉक हुआ था जिससे मेरे कम मार्क्स आए थे, जो प्रो वाला था, उसके उन दोनों की एनालिसिस मैंने कर ली है। खासतौर से मैथ के सेक्शन में क्वेश्चन छूटे थे, मैंने वो एनालिसिस कर ली है। आप लोग भी टाइम से कल, खासतौर से जो लाइव वाला मॉक है, क्योंकि ये तो रहता है बट लाइव वाला मॉक गायब हो जाता है, एंड जो भी क्वेश्चन आपको उसमें छूटे वगैरह हों उनको सेव कर लिया करिए, तो वो टेक्स्ट बुक के अंदर रहते हैं, नहीं तो लाइव मॉक को लॉक कर देता है, फिर आप उस क्वेश्चन को दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे, बट सेव कर लेंगे तो देख पाएंगे, तो आप वो उस फीचर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, सबसे पहला सजेशन तो यही है। एंड कुछ लोग को ये टेस्ट मिलता नहीं, क्योंकि फुल टेस्ट तो सीधे सीधे मिल जाता है, एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम है उसमें एनरोल करके आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दूसरा चीज़, जो लाइव मॉक होते हैं वो लाइव सेक्शन में आते हैं। आज 11 तारीख है तो आज तो कोई नहीं आया, 12 तारीख को कल खुलेंगे, योद्धा करके कोई है तो कल ओपन होगा, देन उसको लाइव मॉक देंगे कल। तो आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं फुल टेस्ट 3। प्री बुक का रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग, ऐसा सोच रहा था कि ऑली बोर्ड के अंदर सीएचएसएल के टीयर 2 के मॉक्स हैं, मतलब टेक्स्ट बुक तो चलो इसमें मिल ही जाएंगे, तो क्या टीयर 2 के मॉक्स ऑली बोर्ड वाले सीएचएसएल के जो मतलब पहले से ही हैं उनको मैं पास, मतलब पास करके खरीदना पड़ेगा ना, तभी मैं दे पाऊंगा, पास खरीद के उनको दूँ सैटरडे संडे केवल एंड देन अपलोड करूँ, तो क्या उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अगर ज़्यादा इस पर डिमांड आएगी तभी मैं लूँगा पास, क्योंकि ऐसे में तो पास की नीड तो नहीं है, मैं उसको देना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने से मतलब फ़र्क पड़ता है, खासतौर से मेन्स लेवल का। तो आप इसका सजेशन दे सकते हैं कि मैं वो पास पहले खरीदना पड़ेगा, वो मैं ले लूँगा, देन उसके जो सीएचएसएल के मेन्स लेवल के मॉक होंगे सिर्फ वो उसको मैं अपलोड करूँ। उससे पहले मैं एक बार इसमें भी देखे देखूँगा, टेस्ट बुक भी क्योंकि आ रहा होगा दोनों का लेवल, क्योंकि पहला पहला मौका फ्री देते थे ना, तो वो देखे देखेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट हो गए। सीक्वेंस तो पता ही, रीजनिंग देन जीके देन इंग्लिश देन मैथ और रीजनिंग मिक्स। जो सॉल्यूशन आपको मेरा अच्छा लगता है उसको अपनाया करिए, नहीं तो बाकी चलने दीजिए करिए, तो बाद में देखेंगे। बाद में सम बी आर ए, नो सी इज बी, नो सी इज ए पता नहीं, नो बी इज सी बिल्कुल सही है दूसरा वाला। ये वाला कहाँ पे है? ऐसे 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 इसी में दिख रहा है। ठीक है, मिरर इमेज एरो ऐसा ही होगा, ये गलत है। ठीक, ये ऊपर साइड पे होगा, ऊपर है नीचे है ऊपर है, इन दोनों में से कोई एक बचा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला पहला ऑप्शन होगा ना कि लास्ट वाला। आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, बाद में 12 5 60, 14 4 56, 7 8 56, ये भी नहीं है, 10 10 100। बाद में सम मैन आर वीक, नो वीक इज स्ट्रांग, सम वीक आर मैन बिल्कुल सही बात है, ऑल स्ट्रांग आर मैन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, सम स्ट्रांग आर वीक बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पहला। 120 12, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहूँगा पहले तो, बट छेड़ भी सकते हैं क्योंकि 24 5 भी 120 होता है, तो 12 24 को चेंज करना प्रेफर करूँगा, 24 यहाँ आएगा, 24 5 120, 5 5 6 30, 30 + 24 = 12 - 15, तो ये हो गया -3, देखो सटीक बैठ जाता है ये नंबर जो दिखते हैं ना, ये 15 15 भी रख सकते थे, पर मैंने पता नहीं क्यों यही वाला चूज़ किया। चला बाद में तो देखो इसमें तीसरा स्टेटमेंट है वो वाला है, इतने नहीं आते हैं एक साथ। All girls are smart, all smarts are intelligent. All girls are intelligent, बिल्कुल सही बात है, some girls are not intelligent, गलत है, सिर्फ पहला। तीसरा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, इसकी मिरर इमेज इधर, ये हटा दो, ये ठीक है, ये ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, तो एरो यहाँ आना चाहिए। सी ए पी से पहले एक ए आ रहा है, वैसे भी चारों ऑप्शन ए से ही हैं। देन सी डबल ए के बाद पी आता है, यही चली रहा है, सी डबल ए पी, सी डबल ए पी, सी डबल ए पी, देन सी, तो ए डबल पी सी। 14 3 42, 28 3 84, 19 3 57, 14 6 84, 28 6 तो नहीं होता, होता 6 48 6 3 12 4 16 होता है, तो 19 6 114, 8 4 12 का स्क्वायर, 12 4 16 का स्क्वायर, 16 3
चार 20 का स्क्वायर, 7 6 13, 7 5 12। एम ओ, एम होता है 13, 13 तो 15, 15 तो 17, 17 तो 19, 19 तो 21। यू ओ 15, 15 घट रहा है 13, 11, 9, 7, 7 होगा जी। यू जी वो तो है ही कॉमन। बाद में फोर्थ पोजीशन बनाना है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। आर ई पी हटा दिया है, आर ई पी के बाद पहले ओ आएगा, आर ई पी ओ के बाद पहले आर आएगा, तो दो नंबर। आर ई पी ओ के बाद एस, एस हटा दिया देन ई आएगा, 1 4। आर ई पी ओ के बाद में पहले आर, नहीं आर ई पी आर, ई कॉमन है, एस कॉमन है, देन ई पहले आएगा, तो 3 5। विच वर्ड विल कम एट फोर्थ पोजिशन, थर्ड वाला रिप्रेजेंट। डार्क वाले सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ है, देन यहाँ है, देन यहाँ है, देन यहाँ है, तो ऊपर वाले में होगा, इस वाले खाने में होगा, यही वाला एक ऑप्शन है, पहला ही जैसा आ जाएगा, इसे घूम ही तो रहा है ऐसे ऐसा। पेरेंट्स ग्रेजुएट क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स पेरेंट्स हो सकते हैं, सब आपस में काटेंगे। क्रिकेटर ग्रेजुएट क्यों नहीं हो सकता, पेरेंट ग्रेजुएट क्यों नहीं हो सकते हैं, सब आपस में काट देंगे उसको। वो तो अ लेडी, अ लेडी भीम सेड शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ माय मदर सन भीम, ही मदर सन्स ओनली सिस्टर, हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू भीम, उसकी बहन ही है। थ्री ऑफ द वॉवल, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर प्लस, अच्छा वी, वी बोले तो 22 24 23, ये कितना है 5 6 7 15 17 16, तुम्हारा कैसे चल रहा है 22 23 24 15 16 17, बट ये लाइन से है, आखिरी वाला भी बी सी डी, ठीक है, ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो ये ऐसे दिखेगा, ये घटा दो, ये हटा दो, यही बचा केवल, ये मैंने देखा है स्क्वायर वाला शेप जो है थोड़ा सा, ये समचतुर्भुज टाइप का। अभी भी 4 मिनट हैं, आज रीडिंग थोड़ी तेज हो गई। 7 boys sitting around a circular table, 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल, 7 खाने बनाए, टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। पी सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में, राइट इधर है, राइट पी इधर हो गया पी। एम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड क्यू, जे और क्यू का इमीडिएट नेबर है, यही बनेगा और कोई तरीका नहीं है। L is not the immediate neighbor of Q. ठीक है, L यहाँ दोनों में से कहीं होगा। N is second to the right of P. P के right में second है, 1 2, N यहाँ, L यहाँ। Who is the immediate left of L? L का left होगा ये, यानी कि P वाला आंसर है। 4 मिनट अभी बचे हैं, 108, आई थिंक अल्टरनेट चल रही है कि 108 में 4 गया, देन 4 गया, देन 4 गया, 129 में 4 जाएगा तो नहीं, 4 जोड़ें 133, 133 में 4 जोड़ेंगे 137। ए आर 37, 18 होता 18 दूनी 36 और 137, 23 दूनी 46 ना, छोड़ो उसको। 6 boys ये sitting in a row facing towards north, राहुल is 4 to the left of अनिल, अनिल के लेफ्ट में, 1 2 3 4, राहुल पूरा नाम लिखना पड़ेगा, आर से ज्यादा नाम है। राम is 2nd to the right of सोहन, सोहन के राइट में राम है। रमेश is 2nd to the right of राम, राम के राइट में रमेश है, और राम खुद 2nd टू द राइट ऑफ सोहन। कितने लोग हो गए, ये 5 लोग तो यही है, 6 लोग तो बैठ ही रहे हैं, तो आई थिंक राहुल यहाँ आएगा, देन 1 2 3, और यहाँ पे आएगा ए वाला अनिल, क्या नाम था। अनिल इज नॉट सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, अनिल अनिल एक्सट्रीम में नहीं बैठा सकता हूँ,
अच्छा एक एक कदम ऐसे तो सरका सकता हूँ तब भी नहीं। हाँ 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 राहुल यहाँ आ जाए, बन गया राहुल, सोहन एक गैप है, धनराम एक गैप है, धन रमेश, और यहाँ पे अनिल आ जाए। तो 1 2 3 ये फोर्थ नंबर पे आप ही गए। अनिल यहाँ, एक लोग बच रहा होगा साहिल। ठीक है हमें क्या बताना है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल के सेकंड में साहिल है। 1 मिनट बचा है। सेवन ब्रदर्स बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, एस इज यंगर देन ओनली टू अदर ब्रदर्स, मतलब इससे छोटे दो लोग हैं। एंड नीदर ऑफ देम यू इज यू, यू नहीं है, यू इससे ऊपर है। पी इज ओल्डर देन आर, पी जो है आर से बड़ा है बट यंगर देन यू एंड एस। ठीक है, यानी कि पी तो यहीं आएगा और आर यहीं आएगा, यू यहाँ होगा कहीं। आर इज नॉट द यंगेस्ट, यानी कि आपस में पलटा दो, नहीं पलट सकते क्योंकि पी बड़ा है ना। एंड आर यंगर देन यू एंड एस, तो यंगर यंगर लिख के दिमाग घुमा दिया। क्यू इज, क्यू इज यंगर देन टी, टी से छोटा क्यू है, क्यू से छोटा यू है, यू से छोटा एस होगा, एस से छोटा पी और आर बन जाते, बट आर को रखने नहीं दे रहा है यार ये। ओल्डर देन आर बट यंगर देन यू से छोटा है एंड एस से भी छोटा है। अब यही तो नहीं बन पा रहा, सेवन ब्रदर्स हैं, तीन तीन छः, सातवां कौन है भाई, बी। छोटा टाइम वेस्ट हो रहा है। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर से डेक्कन सुल्तान एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच, निज़ाम शाहीन, बारिश शाही और कुतुब शाही, गोलकोंडा, इमाम शाही, बेरार। ओंगे सेंथिलस, ओंगे ओंगे इधर अंडमान निकोबार में, सेंथलीस सेंथलीन आइलैंड भी है इनके नाम पे। तो विच आर्म्ड फोर्सेज आर पार्टिसिपेटिंग ज्वाइंट विम्बैक्स, विम्बैक्स में तो वियतनाम और इंडिया इनके नाम है, वी से वियतनाम, IN से इंडिया। वॉट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे। सर ने इतने बार पढ़ा है बट वह ना रिविजन के कारण नहीं याद आएगा। कॉनकेव मिरर के बियॉन्ड रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, वो भी मैं भूल रहा हूँ कि रियल है तो इन्वर्टेड होएगा। ऐसे रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, रियल ही बनेगा इसी तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिगार्ड, मैंने जब कन्फ्यूजन होता है इसमें, मैंने साथ ऐसे याद किया था, आर का उल्टा आई होता है ना, तो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड कनेक्टेड है, ना कि रियल के साथ फैक्ट। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है, पहले दूसरे ऑप्शन में ही से कोई हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिगार्ड द अल्ट्रा वायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, आज ही लेक्चर लिया था तो सर ने बताया था। इट्स वेव इज शॉर्टर स्मॉलर देन विजिबल लाइट, बिल्कुल सही है, अल्ट्रा वायलेट उसके बाद में जाती है ना, क्योंकि तो वॉयलेट है, वॉयलेट से छोटी और हो जाती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल, मेटल इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल, छोड़ा, डिस्कस स्ट्रक्चरल फिक्शनल वन द डे बाय द टाइम लैग बिटवीन टू जॉब्स, इंग्लिश कहाँ दे रहा है भाई, अकर ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल, मिसमैच बिटवीन द फिक्शनल वन द लेबल अकर्स। अच्छा करेक्टली, मैं डिस्कस्ड का मतलब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, स्ट्रक्चरल मिसमैच बिटवीन द जॉब्स एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट,
फ्रिक्शनल अकर्स ड्यू टू अ लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स वल्नरेबल द टाइम लैग बिटवीन टू जॉब, क्या कहना चाह रहा भाई है? टर्म क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म है। अच्छा, अष्टप्रधान शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, पेशवा ही होने चाहिए। अच्छा, वाज रिस्पांसिबल फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, पेशवा। अशोकास धम्म वाज अ वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज। अशोका धम्म मदर वर्शिप ऑफ गॉड बट कंडम द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। 46 में पता नहीं जीके बड़े जल्दी हो जाते हैं। हमको दूसरा गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। Whom in the following is the author of the Satnik versus Salman Rushdie? Abhi sir ne bataya tha. Stopper terminology related to which? Stopper. Rocky football dono lag raha hai, rugby football bhi dusra hai. Stopper. Football laga raha hoon abhi. Raja Ram Mohan Roy was associated with the founding of Brahma Samaj of India. Which one of the following rulers established Vikramshila University, Dharmpal? Vikramshila University. Hornbill Festival, Mizoram ka thodi na, Nagaland ka hai. Correctly match kitne hain? Pehla to bilkul galat hai. Ek option gaya, dusra gaya, teesra gaya. Correctly match batana to dusra teesra. Losar mein Sikkim ka hai, Kharchi Pooja Tripura ka hai, theek hai. Dekho ye net to lag gayi. Pehla galat hai 100%. Who is the new chief minister of Madhya Pradesh? मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ सर। The transport system plant depends majorly on the two tissues, xylem, phloem. पानी खाना, phloem का खाना है। Which of the following language has been given classical status? Kannada, Malayalam, Marathi, Assamese. आई थिंक चारों ही हैं। मराठी का डाउट है। 1, 2, 4 है क्या? नहीं है ना, चारों भी ऑप्शन में नहीं है यार। हाँ, मैं कन्नड़ा मलयालम को तो चुनना ही पड़ेगा। देखो 1 और 2 को मराठी का डाउट है। क्लासिकल स्टेटस कहना क्या चाहता है यार ये? The total income of the country divided by its total population in is termed as per capita income से इसे कहते हैं total population per capita। Who is set to receive a Padma Pani Lifetime Achievement Award Ajanta Dora Film Festival? The Gobi Desert separate the border Russia और China के बीच में, मंगोलिया के बीच में, तो मंगोलिया पूरा आता है। Color of which of the following soil is red due to diffusion of iron rather than base iron? Color of which of the following soil is red? Red soil है, diffusion of iron rather than. The answer is in chupa है. Matki is a popular folk dance. Which of the following state? Matki. Rajasthan ही होना चाहिए. The rate at which scheduled commercial banks can borrow additional amounts of overnight money from reserve bank, bank rate, marginal standard facility rate, hot money rate, reverse repo rate. Yeah. Lysosomes are called suicidal bacteria because they produce protein na, they produce ATP na, they destroy foreign material as well as worn out cell organelle. How many GI tags Uttarakhand secured? ये कहाँ बता पाएंगे? बहुत टाइम ले लिया, 19 क्वेश्चन हो गए। अ बिजनेसमैन एट अवर कॉलोनी वॉज फाउंडेड कोविड पॉजिटिव, फाउंडेड तो वो रखना होता, वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव एट अवर कॉलोनी। बट यहाँ पे पैसिव में क्यों ही जाएगा, ये पैसे में जाना ही नहीं चाहिए। A period of time in the past that was idyllically happy and peaceful.
हेल्थ से ऑन है, एकोमोडेट हटा दो, कॉन्डोन हटा दो, यही वर्ड बच रहा है। क्यू आर पी क्यू, सो दे, पी से स्टार्ट नहीं होगा, दैट कंज्यूमर, क्यू से स्टार्ट होगा। द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज आर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री, सो दे डिजाइन द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड टू बाय देम रिपीटेडली। रॉबिनहुड ब्रोक विद इन द मैंशन, ब्रोक इन टू द मैंशन टू कलेक्ट सम फूड एंड मनी फॉर द पुअर, ब्रोक टू ब्रोक इन, ब्रेक इन, ओके घुसना, ब्रोक इन टू होता है। फ्रेजल वर्ब, टाइम एंड एक्सपीरियंसेस पैसिव वर्ब, हैव टॉट है तो हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट यहाँ है, हैव टॉट, हैव बीन टॉट यहाँ पे भी है, बट अगर अस लगा है ना, अस अस, वी हैव बीन टॉट वैल्यूएबल लेसंस बाय द टाइम एंड एक्सपीरियंस, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हिज टी, टर्न टर्न ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी, टर्न फास्ट में है कि नहीं, टर्न After loss, losing her job, Sarah had the insurance to pick herself up and start her own business. Dread. After losing her job, Sarah had the resilience. A young English पे बस देख ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जैसे गेस्ट लगा रहा हूँ या जैसे लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ। A young child just beginning to work, जो है तब toddler बोलते हैं, तब जो है kid. The entrepreneur's innovative strategies prepared, so flung था वो बताना, plunge, innovative success prepared, plunge करना, plunge, propel लगा रहा हूँ। The most important fruit in Kinnaur is apricot. It is possible to get it at every place in huge amount. It is found everywhere in a huge amount. विदा नहीं, इन अ ह्यूज अमाउंट, पाउंड लगेगा, पाउंड लगेगा, इट इज लगा हुआ है, साउंड एवरीवेयर इन अ ह्यूज अमाउंट। वेयर पिच का क्या मतलब होता है, मेक अ वियर स्क्विट, मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वेयर पिच, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल, स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, वेयर पिच, अंधी। Many confessed after the physical torture by the cops. Confess करना, reveal करना, acknowledge कर लेना, deny करना. Incorrectly arrangement, geoparadise, geoparadise, corruption, remission. Geoparadise. Remission में double M आता है कि नहीं आता? ये तीनों तो एक जैसे हैं। Oliver said to told his teacher that she had taken my book, she had taken his book, same रहेगा सब कुछ। The decision of the committee may mitigate करना, कम करना, क्या बताना है, nearest meaning, एक्सेलरेट नहीं करना है, लेसन करना है, कम करना है, मिट्टी का गेट असल कम हो गया। द सॉल्यूशन एक्टिव वॉइस टू द कॉम्प्लेक्स वॉज फाउंड, फाउंड आना ठीक है, वॉज फाउंड गलत है, वॉज फाउंड गलत है, फाउंड ठीक है। द मैथमेटिशियन फाउंड द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन टू द सॉल्यूशन, द मैथमेटिशियन फाउंड द सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स, found the solution to the complex equation. Without good endurance, it is difficult to complete the marathon. Without good, yahi aayega endurance. QQPP, due to the lofty, the route to Badrinath is one of the most arduous one. Due to the lofty hill terrain, curves and cliffs, amidst the most incredibly beautiful place on the earth. एक सेकेंड, द रूट टू बद्रीनाथ एमिडस्ट द मोस्ट स्कैनिकली ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू द लॉफ्टी हिल टेरेन कर्व्स एंड क्लिफ्स
is one of the most arduous one. A doubt or as is one of the most arduous one due to this. This on earth due to the हमको यही पहला ही सही लग रहा है. On the straight and narrow, straightforward and ethnically acceptable, the honest but dubious, the unpredictable. Teenage is a phase of life that everyone goes through between childhood and adulthood. Is it a transition? Teenage is a transition of life phase. During this time, teenagers go through many changes, both physically and emotionally. They may experience mood swings, have difficulty expressing their feelings, and sometimes pretend impulsively, and sometimes act as play impulsive, run impulsive, pretend impulsively. Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents, and society to appeal to certain expectation, to conform, to match to certain expectation, to certify. यहाँ पे वो लगेगा फेजल वर्क के अकॉर्डिंग पेरेंट एंड सोसाइटी टू सर्टिफाई टू सर्टेन एक्सपेक्टेशन. It's important for them to have support system that allows them to explore their interests, develop their own identity, and make healthy choices. Despite the challenges that come with being a teenager, it can also be an exciting and transformative time. Teenagers have the possibility to learn new skills, capability, captivity, opportunity, ability. Have the ability to learn new skills, make lifelong friends, and explore new experiences that can shape their future. It is important for parents, educators, and other adults to provide teenagers with guidance, support, and resources that can help them conclude the challenges of adolescence. That is support and resources that can help them propagate, reduce the challenges of reduce karna hai. Okay, main jana pehle question mein save ho gaya, chala bhi kar hi lete hain tab chalte hain. Teenagers are also trying to figure out their place in their world and may face pressure from peer, parents, and society to match to certain expectation. Match hi to conform to conform 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 ये लगा दे रहा हूँ. दिन इंग्लिश में तंदी चलती रहती है मेरी. ठीक है, 15 मैन कैन रिमूव इतने बुशेस. ओके, 15 मैन 750 बुशेस तो वर्क हो गया. 25 आवर में 750 बुशेस इज इक्वल टू 5 मैन लीव करके 10 मैन बचे हैं. हाउ मैनी बुशेस रिमूव 15 घंटे में एक्स. तो 15 से 15 चला गया, एम से एम चला गया, 25 या 75 300 आ गया. अच्छा आराम से करूँ क्या इलाहाबाद में. अ बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 12.5 बोले तो 25/2. इट कैन गो 84 डाउन स्ट्रीम 63 अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 18:54 अरे तैयार है 18:54/60 6 9 54 6 10 तो 189/10. What is the speed of the boat in still water? Equations को solve करना ही पड़ेगा. सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 125/10. ठीक है, 3 से कट रहा है 12 7 84, 7 से कट रहा 7 12, 7 9 63, 7 2 14, 7 7 49, 3 4 12, 3 3 9, 3 9 27. तो मैं किसी को 40, इसको 60 बना रहा हूँ, 4 वाले को 15 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो 15 4 60/3, 15 3 45/u, 15 9 135/10. अब ये घटा रहा हूँ, ये बड़ा है. ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 45 में से 40 जाएगा तो 5u इज इक्वल टू 135 में से 125 जाएगा 10, 10/10 यानी कि 1. तो u की वैल्यू आ गई 5. ऊपर वाले में रख रहे हैं तो 60/d प्लस का 5 9 48, 8 इज इक्वल टू 25/2. तो 60/d इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा, 8 2 16, 25 में से 16 गया 9/2, 3 3 9 या 20, तो d आ गया
पॉइंट में आंसर है क्या? हाँ नियरेस्ट इंटीजर 40/3, तो एक 5 है एक 40/3 है, यानी कि v प्लस एस इक्वल टू 40/3, v माइनस एस इक्वल टू 5। क्या पूछ रहा है? बोथ की पूछ रहा है, यानी कि s पूछ रहा है, दोनों को घटा दो तो 2s इज इक्वल टू 40/3 माइनस का 5, 5 तिहाई 15, 15 घट जाएगा तो बचेगा 25/3, ऐसा आ गया 25/6, 6 × 24, 6 × 6, 4.1 आ रहा है यार। गुस्सा लगती है जब इतना करीब होने के बाद गलत होता है। बाद में करेंगे क्या, थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो गया, कितना टाइम, 2 मिनट के आसपास। एक तो टेक्स्ट बुक टाइम भी दिखाता है तो और बहुत प्रेशर होता है, इसको तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा अगर बैठ जाए तो ठीक है, थीटा पॉजिटिव वाला चाहिए, रूट रूट नहीं चाहिए, तो 60 रख सकता हूँ। 60 रूट 3/2 का होल स्क्वायर, 3/4, 3 × 9/4 प्लस का 1/2, तो 2 − 4 नहीं होने वाला, 0 पॉइंट में आएगा आंसर। 3 1 − c² प्लस का 4c − 4² = 0, तो 3c² − 4c − 1 + 1, ये बनेगा −3c − c, c की वैल्यू आ गई 1, 1 ले नहीं सकता हूँ, और आ गई 1/3, 1 ले नहीं सकते क्योंकि 0° रख नहीं सकते, तो 1/3 होगी cos की वैल्यू। अरे यार cos की वैल्यू 1/3 है, 1, 3, 3 × 9 और √8 cos square theta क्या बनेगा, 3 × 9/8 प्लस का cot square theta 1/8, तो 9 × 10/8, 5/4, कितना ज़्यादा कठिन कर दिए भाई, आज मैं नहीं फंसूंगा इसमें, इजी क्वेश्चन पहले पकड़ूंगा। कंपाउंडेड ऑन द सम, अरे 25 इतना इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल, सम साल दिया है एक साल का, ठीक है 25% फॉर 1 ईयर इज दिस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भाई मैं कहूँ हो ही नहीं सकता था, तो 25% तो साल का हो गया, हाफ ईयरली करेंगे तो 12.5%, ओके 25/2% 2 बार लगेगा, अर्जी का कटिंग कर रहा है यार, दिमाग नहीं काम करता, इजी पकड़ो क्वेश्चन भाई। ओके यार करते हैं 6 × 1 1/6 − 1/7 −1/2 − 1/3 −1/6 करूंगा, देन फिर से वो पलट जाएगा इंटू की वजह से, तो यही रहेगा 7×42 1/42, तो ये हो जाएगा 42 माइनस का 3 × 2 = 1, 1/6 6 पलट जाएगा तो 6, 6 × −6 6×36 42 प्लस का 6 × 2 = 8 × 4 = 7 सिंपल इंटरेस्ट सम बाद में भैया कठिन कठिन आ रहा है ना। शॉपकीपर के 35% डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ बॉटल, सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल इज दिस, देन द मार्केट प्राइस 35% कम कर, यानी कि 65 की वैल्यू 17/55 100 की बतानी है, 13 से कट रहा होगा, 13×5 = 65, 13×9 = 13, 45, 13×3 = 39, 13×5 = 65, 5 से कट दो 5×5 = 27, 2700 पर्सन की मंथली इनकम इतनी है, एक्सपेंस इतना है, ओके ठीक है 9000 एक्सपेंस है, 90 लेना पड़ेगा, और 9×4 = 4500 वो है, 4500 इसका सेविंग होगी, तो ये 2:1 का रेशियो, एक्सपेंस बढ़ा है 7% से, इनकम बढ़ी है 14% से, सेविंग बतानी है 7 × 2 इसकी वजह से, और 14 में जोड़ जाएगा 7/2, तो 3.5 जोड़ दूँ, ये यार सही समय नहीं चल रहा, फिर भी कोई बात नहीं। पी क्यू इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, क्यू पी आर, पी क्यू 3:4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर, ये तो सब 1 हो जाएगा 6 सेकेंड, देखो साइन क्यू की वैल्यू तो 1 होगी, प्लस में एक तरफ से बनेगा 3/5, एक तरफ से बनेगा 4/5, 1 प्लस का 7/5,
5 12/5 आंसर आएगा। ए इक्वल टू 10 डिग्री है, 12 साइन 30 डिग्री, साइन 30 बोले तो 1/2 यानी कि 6, 12/2 प्लस का 5 यहाँ पे रखेंगे 50 माइनस 5 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2 यानी कि 5/√2 अपॉन 9 साइन 90 का डिवाइड कर रहा है 2 से 45, साइन 45 1/√2 माइनस 4 कॉस 50, 50 प्लस 10 60, 60 बोले तो 1/2 4/2 तो 2, तो आंसर तो रूट 2 में आने वाला है 6√2 प्लस का 5 अपॉन में 9 माइनस का 2√2 डायरेक्ट है 6√2 प्लस का 5 9 माइनस का 2√2 भैया। गिवन फिगर में वैल्यू एक्स की बतानी है, ये सारे दिए गए होंगे ठीक है, पैरेलल वगैरह हैं, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा इधर वाला, एंड ये 95 है तो ये कितना होगा 105 होगा, नहीं 85 होगा, ये एंगल ये वाला बताना है, तो 5 8 7 15 35 नहीं 25 बचा है, 25 होगा। The total discount on the all articles is what percent of the total market price of all the articles? The total discount on all the articles. Total जोड़ना ही पड़ेगा, 3 3 6 7 ओके पहले वो जोड़ते हैं 12 8 2000 3000 3700 7 12 4200 4600 48 11 5900 कितना गंदा नंबर आया 6 3 9 9 6। अब ऐसा नंबर आता ना कि डाउट करा देता कि 6000 तो नहीं हो रहा था, देखते हैं 6 3 9 9 6 15 15 5 20 20 4 24 24 और 3 27 27 और 3 3000 ये डिस्काउंट दिया गया है। ऑल द आर्टिस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्केट, तुम लोग यही करना है 59 6 5 30 55 25 पांच बार तो जाएगा ये, एक ही ऑप्शन है यही लगा रहा हूँ। और भाई छोटे क्वेश्चन भी दे दो, लेंथ ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू आर 270 इतना, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू, भाई देख रहे हो मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, छोटे भी दिए जाते हैं भाई, कितने छोड़ चुका हूँ मैं, 8 ही किए मैंने, 35 से कर रहा हूँ 10 मिनट में 8 क्वेश्चन, बहुत धीमा चल रहा है। नमिता गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द थिंग्स इन हर शॉप एंड गेट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम विद मार्केट प्राइस 280, 280 में 20% का डिस्काउंट दिया है तो 28 दूनी 56 रुपये कम किए, 56 रुपये कम करने 60 रुपये कम कर दिए यानी कि 240 60 कम करें 220 4 रुपये जोड़ दिए 224 रुपये एंड 12% का प्रॉफिट बना रही है, 12% बोले तो 112 की वैल्यू ये दुगना कर दिए तो 200 रुपये होगा। द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर 11 and 6 व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व ही चलो पीछा है ना तो पाई में पूछ रहा, बहुत अच्छी बात है, पाई आ रहा है 11 6 6 पाई, पहला क्वेश्चन था जो इजी था। और शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम, मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें है, बाय 6 गेट 4 फ्री 4/10, गेट 5 फ्री 5/10, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 18 और 24, 8 4 12 42 माइनस का 18 4 72 2 + 7 18 36 7 13 4 4.3 4 घटाया 38 बचेगा यानी कि 37.68 बचेगा। और इधर से कितना परसेंटेज, यही डिस्काउंट हो गया ना तो 40% 50% बी है आई थिंक मैक्सिमम डिस्काउंट, गलती हुई हुई तो हुई होगी। आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इतने टाइम्स, द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू, ए बी 30 डेज, सी कैन डू अलोन 120 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी टेक, ए और बी मिलकर कर सकते हैं 30 दिन में, सी कर सकता है 120 दिन में, 3 4 12 120 1, ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज बी और सी, ए इसका डेज अगर 1 है तो इसका डेज 1.5 है यानी कि 3/2 लिख सकता हूँ ठीक है, बट ये डेज है, एफिशिएंसी क्या होगी 2:3 2x 3x
तो 5x बराबर तो 5 आ रहा है यहाँ से, x की वैल्यू हो गई 1, a की एफिशिएंसी है 2, b की भी है 2 और उसकी है 1, 1 भी रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 1, b c a। हाउ बी को कितना टाइम लगता है, देन हाउ मेनी डेज बी टेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क, 2 से डिवाइड कर दो 120 का, 60 आएगा भैया। फिर से चलो एप्टीट्यूड जीके में रीजनिंग में 4 बचे हैं, 20 पे कन्वर्ट करूँगा, एक दो क्वेश्चन खींचते हैं अब। ओके क्या बता रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु प्लेड बास्केटबॉल इन स्कूल ए एंड सी, बास्केटबॉल ए और सी, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, तो टोटल स्टूडेंट हु प्लेड फुटबॉल इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर, बी और डी, 5 5 90, यही रेशियो बताना, 3:1। अब बोट कैन 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अब भैया आ जाना, प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसका टू 12 12.5 12 24 25 2, 84 बाई डाउन स्ट्रीम प्लस 63 बाई अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 18, सही 54/60, 6 10 6 9 180 189 बाई 10, 7 से काट रहा था ना, 12 7 84, 21 से कट रहा है, 21 4 84, 21 3 63, 21 9, तो 4D प्लस का 3U इसक्वल टू 9/10, 15 का मल्टीप्लाई 15 4 60D प्लस का 15 3 45U, 15 9 135/10, घटा देंगे उससे तो आएगा 5/U इज इक्वल टू 135/10 माइनस का 25/2, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 125/10 ये भी हो जाएगा, लेकिन 10/10 ही तो आ रहा है, यू बराबर 5 एकदम सही है यार। अब दूसरी क्वेश्चन में रखूँगा इस वाले में, 4/D प्लस का 3/5 इज इक्वल टू 9/10, 6/10, 4/D इज इक्वल टू 4/10, टी बराबर दस आ गया, वी प्लस एस इक्वल टू 10, वी माइनस एस इक्वल टू 5, 2S इक्वल टू 15, एस इक्वल टू 7.5, पता नहीं अब सही है कि नहीं, अरे यार हर बार 7.5 के चक्कर में 7 लगाऊँ कि 8 लगाऊँ, क्या आगे जाऊँगा, हर बार पीछे जाता हूँ, ऐसे तो 0.5 होता तो हमेशा आगे जाना चाहिए। जीवन राइट्स नंबर 1 2 विच इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल स्क्वायर्स, मीनू शेड्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 इन इट विद येलो, महीन शेड मल्टीपल ऑफ 9 ग्रीन, then the largest number in the rectangular array which has both colors, ए भाई साहब एकदम नए टाइप का क्वेश्चन को तुरंत छोड़ना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि 25%, आधा लगेगा 12.5% कर दिया ना, तभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ भैया, तो कर देता 25/2, राउंड फिगर नहीं है ना, इस वन ईयर का इतना है, मैं ऑप्शन चला जाऊंगा 8080 ले रहा हूँ, 25 8 200, 2000 12.5% के हिसाब से 25/2 यानी कि 2000 का आधा करूँगा, 1000 आएगा, देन अगेन 1000 आएगा, देन इसका भी 25/2% निकालना पड़ेगा, तो 250 का आधा 125, आएगा तो 4125 बन रहा है, 80,000 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 85,000 आंसर हो सकता है, चाहता हूँ 25 5 2 0 खत्म हो गए, 0 25 5 125 5 12 25 8 200 200 और 12 212, क्या 0 हटा देता हूँ, 0 हटेगा क्या, अच्छा डिफरेंस है यार, सम भी नहीं है, ओके तो ये 0 रहेगा, ठीक है, और इधर कितना आएगा, इतना तो आएगा ही आएगा, और इस पे 25/2%, बुद्धि खराब रहे, पता नहीं आज करने का थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा है ऐसा, अभी चलो PQR फिल टैंक 20 25 20 25 40
एक टैप क्यू कैप्ट ओपन फॉर 10 आवर, देन टैप क्यू क्लोज, ओके भर रहे ना सीधे सीधे। 20, 25, 40 का कितना होगा? 200, 200, ठीक है। 10 बार 25, 28, 200, 4, 5, 20। 10 घंटे के लिए क्यू को खोला गया, देन टैप क्यू क्लोज, आफ्टर टैप पी एंड आर ओपन, टैप आर इज क्लोज, 9 आवर बिफोर द टैंक ओवर फ्लोज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक? 10 घंटे पहले काम करो इससे, 80 हटा दो, 120 बचा। ठीक, उसके बाद 9 घंटे पहले बंद कर दिया गया, 9 घंटे का काम उसका जोड़ना पड़ेगा, 9×5 45 जोड़ दो, 5×4=165, डिवाइड बाय 10, 5×15, 15×1=15, 15×1=15, 11 और 10, 11 और 10, 21 घंटे। आई होप कि समझ गए। अ वेसल कंटेन्ड अ सॉल्यूशन एसिड वाटर इन विच वाटर वॉज 64%, 64 and 36, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वॉज टेकन आउट ऑफ वेसल, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड, रिजल्टिंग सॉल्यूशन 4% वाटर वॉज एडेड, ओके 4×9=36, 16, ये वाटर है, वाटर ही ऐड किया गया है, कंटेन्स 30% एसिड, 30%, 3, 7। द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन द वेसल, ओके ये 25 है, ये 1 है, ये 10 है, 50 बनाता हूँ, तो इसको दुगना मल्टीप्लाई, 18 हो गया, 0 हो गया, 50 बनाना, 5×15, तो 15:3 का रेशियो, 3 की वैल्यू 4 लीटर है, तो 15 की वैल्यू बतानी है पहले, तो 15 की वैल्यू बतानी 60/3 यानी कि 20 लीटर होगा पहले। अब इसमें हमें बताना है वाटर की क्वांटिटी ना, 64% वाटर है, तो 64 2 0 2 4 8 2 6 12, ऐसा कुछ नंबर नहीं है, दैट 5:1 का रेशियो, 1 की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू 20 लीटर, तो एकदम सही है। द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन द वेसल, आज सही में दिन खराब चल रहा, एक बार में सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है यार, पॉइंट जब फ्रेश माइंड ना तो यही होता है, ऑफिस से आ गया सीधे देता हूँ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम पी एट अ रेट ऑफ आर परसेंट पर एन एम फॉर 3 साल इतना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट इन सो इतना, व्हाट द वैल्यू ऑफ पी एंड आर रिस्पेक्टिवली? भाई साहब मैं बुद्धि खराब, सर रहता तो छोड़ने का मन कर रहा है, इनटू टाइम टाइम 3 साल हो गया, इंटरेस्ट दिया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट 11,250, और इधर सीआई दिया है पी 1+ का आर बाई 100 टू माइनस पी इज इक्वल टू 7,650। पी कॉमन किया है, पी की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो बनेगा 100×11,250/3 आर ब्रैकेट में 1+R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। इतना गंदा है भाई सा, मान गए ये लेवल वाले पेपर तो नहीं बना रहा भाई, तो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव कर रहा है, मेरे मतलब मेरे से नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा भाई, इसी क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। अब परसेंट मंथली इनकम इतना, व्हाट इज मंथली एक्सपेंसेस वॉर, अब तो हो जाना भाई, अब सीधा सीधा कर रहा हूँ, 9×4=13,4,500, 14% ये बढ़ा रहा है, पहले पता नहीं क्यों नहीं आया, 14×5=70, 0×7=7, 14×3=42, पहले 7×2=9, 14×14=18, 1,890 बढ़ गया है, इज इक्वल टू 7%, 7×9=63, 630 कितना बचेगा, 0×9=3=6, 18×6=12, 1260, 4500 का कितना होता है, तो 15×3=45, 15×8=120, 15×4=60 और 28×84, इसलिए पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था।
एन एंगल डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टूवर्ड्स पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ रिलेशन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टूवर्ड द सिक्स फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री. टॉप से 60 डिग्री है, ए से भी 60 डिग्री है, बट सिक्स फ्लोर की बात कर रहा है, पैरेलल होगा ये. पॉइंट ए एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग 450 यूनिट. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए इज 150 यूनिट. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द अबव द सिक्स फ्लोर एक्स. पॉइंट बी नियरर टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग. पॉइंट भी पास कर दिया इन्होंने यार. अच्छा हाँ नहीं ठीक तो है, गलत बना है ये गलत है. अब ठीक है, ये 30-30 चल रहा है ना, 30 डिग्री है ना, 30 30. ए से लेके वो कितना है, बी और ए के बीच की दूरी है 150 एंड टोटल है 450, तो ये हो जाएगा 300. ये हो जाएगा एक्स, पूरी हाइट बतानी है 30 डिग्री, 1/√3. और ऐसे में ये 1 है, ये √3 है. पहले नीचे ली निकालते हैं, नीचे वाली के लिए √3 की वैल्यू कितनी है, 450. एक की वैल्यू हो जाएगी 450 √3/3, 150 √3 नीचे की वैल्यू है. अब ऊपर की वैल्यू अगर निकालनी है तो यही निकालता हूँ, √3 की वैल्यू है 300, एक की वैल्यू हो जाएगी 100√3. क्या नौटंकी है भाई ये, कुछ मैंने गलत सलती किया होगा, बट आंसर मुझे लग रहा है इसका डिफरेंस ही आएगा, तो मैं 50√3 लगा रहा हूँ. टाइम नहीं है सोचने का इतना. द रेशियो द प्रेजेंटेज ऑफ चिंकी मिंकी इतना, एंड द प्रेजेंटेज ऑफ चिंकीज मदर इज 9/2 टाइम्स मिंकीज एज 5 इयर्स अगो, एंड द प्रेजेंटेज ऑफ मिंकीज मदर इतना चिंकीज एज. कितने गंदे क्वेश्चन थे हो गए भाई, कि हो ही ना पाए. उल्टा देखता हूँ, 108, 116 का कुछ स्क्वायर वगैरह क्या, 108 का स्क्वायर का निकालना है, तो 108, 100 से 8 ज़्यादा, 108 में 8 जोड़ा 116 हुआ, 108 का स्क्वायर बोलेंगे तो एकदम सही, 116 64. 116, 100 से 16 ज़्यादा है, 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132, और 16 का स्क्वायर 256, तो 1 3 4 5 6 सही है. 112 में 12 जोड़ेंगे 124 एंड 144, तो ये भी सही है. 125 वाली, 104 में 4 जोड़ेंगे 108, और 8 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, गलत है. तो इससे एक ट्रिक तो थोड़ा सीखने को मिली आप लोगों को. 100 के ऊपर वाला स्क्वायर ये क्या है, नंबर ये काट रहा होगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है. 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, 9 1 9, 25 9 2 25, 25 वहाँ से लगा 2, 9 1 9, 9 2 11, 9 3 27 और 1 28, बन तो रहा है 9 बार, 9 8 72, 2 वहाँ से लगा 7, 9 5 45, 7 5 12, 52, 2 5, 12 9 1 108 और 5 113, ये भी ठीक है. 9 3 27 होता है, 9 9 81 होता है, ये अलग अलग है. 7 ब्रदर्स वॉज बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, एस इज यंगर देन ओनली 2 ब्रदर. यंगर है मतलब दो लोगों से छोटा है, ये गलती करी थी. नीदर ऑफ देम यू, पी इज ओल्डर देन आर, बट पी जो है ओल्डर देन आर है, बट यू, यू यहाँ आएगा. 6 लोग हैं ना, एंड आर इज नॉट द यंगेस्ट, एक लोग यहाँ आएगा. यू इज यंगर देन क्यू, हु इज यंगर देन टी, यू जो है वो क्यू से यंगर है, और क्यू जो है वो टी से यंगर है, तो वी आएगा फिर आखिरी में. इंग्लिश में हो गया था ना भाई, ठीक है देखूंगा नहीं, उल्टा देख रहा है भैया, हो जाए तो हो जाए. इन अ क्लास 130 स्टूडेंट क्लास टेस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वाज कंडक्टेड, इतने स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, इतने स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इफ 60 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट. ओके चलो कुछ तो ईजी दिख रहा है, 60 ये आ जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, 40 ओके देखते हैं. वॉट इज द नंबर स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, मान लिया ओनली फिजिक्स में अगर 40 है, ठीक, तो 6 4 10 100 लोग हो जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ 60 होनी चाहिए, 60 अगर यहाँ है तो 60 30 90 होने चाहिए, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 90 होने के लिए यहाँ 30 होने चाहिए, बच्चे कितने हो जाएंगे, 4 3 7 6 13 130, क्या लिया था वैसे मैंने भाई.
फिजिक्स के 40, हाँ 40,600, हाँ यही लिया था, ऑप्शन से हो गया। द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यस इज इंग्लिश एंड हिंदी इतना एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड मैथ साइंस इतना, 15, 16 इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस 5, 6 एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 64% इन द सब्जेक्ट टुगेदर इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश मैथ्स आर द सेम एंड द मैक्सिमम मार्क्स इन ई सब्जेक्ट आर 100 देन फाइंड द टोटल नंबर्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन हिंदी एंड साइंस टुगेदर। ये सेम है तो 3×5=15, 3×6=18 रेशियो तो ये बन जाएगा 15, 16, 15, 18 एंड क्या कह रहा है 100 मार्क्स मैक्सिमम है 64% एवरेज उसका मिला है एक तरीके से यानी कि एवरेज से हो जाएगा 64 एवरेज है यानी कि 15×2=30 8×6=14=34 64 by 4 करूँगा ताकि एवरेज आ जाए और यही वैल्यू 64 के बराबर हो जाएगी एक की वैल्यू 4 हो जाएगी अब पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं एक की वैल्यू 4 और हमें 16+18 चाहिए यानी कि 34×4 4×4=16 4×3=12 और 1×13=36 6 मिनट बचे हैं भैया भागो। लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू इतना इतना एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू विच इज इक्वल टू 108 डिफरेंस दिया है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन पी एंड क्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन यानी कि पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 108 भी है एंड पी प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू भी 108 है यही बोल रहा है ना आई थिंक हाँ यही है तो कुल मिला के ये दो कितना आ जाएगा 216 तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दुगना है ना जोड़ रहा हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई किया होगा 3×8=3 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 1, 16, 2 पी की वैल्यू आ गई चाहिए ना हमें इफ क्यू ट्रेन क्यू प्रोसेस पी सेम डायरेक्शन चाहिए होगी यार पी इतना है तो वो कितना होगा 162 तो 216 बनाना है 6×2=4, 16×5=21 क्यू की वैल्यू अब इफ ट्रेन क्यू क्रॉसेस ट्रेन पी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इतने सेकंड एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट ट्रेन पी क्रॉसेस इन पी की स्पीड ज्यादा क्यों आ रही है वाई से वर्षा भी तो हो सकता है ना नहीं ये थोड़ी ना लिखा कि कौन किससे ज्यादा तो उल्टा होगा क्यू ये होगा पी ये होगा या हो जाना कितना है 162 और 54 अब क्या बोल इफ ट्रेन क्यू क्रॉसेस ट्रेन पी दोनों की स्पीड तो वो जुड़ेगी लेंथ 7×10=3×5=600 डिवाइड बाय सेम डायरेक्शन है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12×4=8 15×5=10 इज इक्वल टू ए प्लस 5 सेकेंड 12×5=60 12×9=108 कितना गंदा नंबर आया है भाई एक सेकेंड ये मीटर में है ना और ये किस में है स्पीड किलोमीटर पर आवर में 5/18 करना है बच गया 9×2=18 100/5 यानी कि 20 आया है ए की वैल्यू हो जाएगी 15 है ना अब यहाँ पे आ जाएगा 15×35=50 सेकेंड प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन पी की स्पीड है 54 प्लस 5/18 18×3=54 15×15=75 18×3=15 अंत में आते आते घुस गया अप्रॉक्स भी नहीं है एकदम यार अच्छा उसकी लेंथ भी तो जुड़ेगी 15×75=750 और इसकी लेंथ 270 बच गया 15×7=8 6×2=4,480 बच गया दोनों की लेंथ जुड़ेगी ना ट्रेन और प्लेटफॉर्म की द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ चिंकी मिंकी इज दिस प्रेजेंट एज ऑफ चिंकीज मदर इज 9/2 टाइम्स मिंकी इज 5 इयर्स एगो इन द प्रेजेंट किसी की तो प्रेजेंट एज दे दो भाई इफ 15 साल इफ आफ्टर 15 ईयर द एवरेज एज ऑफ मिंकीज मदर एंड चिंकीज मदर इज 55 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज 55×110 15 साल पहले बात की बात हो रही यानी 15 साल पहले पहुंचा तो 30 घट जाएगा यानी कि 30 घट जाएगा तो 80 आ जाएगा mm प्लस cm इज इक्वल टू दिस अब क्या दिया है मिंकीज इज 5 इयर्स अगो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मिंकीज मदर 7/10 बहुत भयंकर दिया भाई x में खेलना पड़ेगा क्या 4x 5x चिंकीज मदर
सी एम इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स मिंकीज एज 5 ईयर्स एगो। एगो है, एगो साले अब आगे तो होता है। एगो पहले होता है, बताओ दिमाग काम ही नहीं कर रहा। 5 ईयर्स एगो यानी कि 5x-5 एंड एम एम इज इक्वल टू 7/3 टाइम्स आफ्टर बोल रहा है यानी कि 4x+3। ठीक, ये बराबर इन दोनों को जोड़ के 80 के बराबर कर दूँ। दोनों को जोड़ना ही तो कठिन है। 9×45 x/2 -9×45/2 +7×28/3 x +7×21 अभी 3 रखता हूँ बराबर में 80। ऐसा बटाओ दो 8×5=13 4×2=6 और 1=7 ना 3 और 2 भी लगे पड़े हैं यार। 3×7=21 7 उधर माइनस कर दिया है, 80 में 7 चला गया तो कितना बचेगा, 80 में 7 जाएगा 73। ये खत्म। 45×3=135 28×2=56 15×6=9 12×5=7 79/6 इज इक्वल टू 73 +45/2 2×3=6 2×7=14 1×15 45 6×5=11 5×9 अब इतना लंबा भयंकर जा रहा हूँ ना कैलकुलेशन में, पता भी नहीं कि सही जा रहे हैं कि नहीं। ये आया है x, इतना गंदा नंबर तो होने के चांसेस ही नहीं होने चाहिए। x बराबर 201/79 × 3 उफ, टाइम वेस्ट। फिर से 5 क्वेश्चन गए, मतलब लेंथ ही काफी दे रहा है यार ये, पता नहीं आता है। हालत खराब कर, सच में हालत खराब कर दी है। ऐसे नहीं ये क्वेश्चन किए बिल्कुल जा सकते हैं, स्ट्रेस टाइम मैनेज नहीं हो पाना सही से, उस चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं वाला क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, अभी टाइम तो आराम से कर दूंगा। माइंड एकदम इस समय इतनी तेज भाग रहा है ना, और मतलब पेपर वाले दिन आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए तभी अच्छे से कर पाएंगे। चलो बाकी सुन, अरे ये बाकी था, ये भी तो उस पर देख ही नहीं पाया। 16×3=19 7×3=10 जे वाला लगा देता हूँ। क्यू 17×7=12 6×5=11 ये लगा रहा हूँ। लेटर वाइज लगा दिया है, पी एस को देख रहा था मैं खाली। तो मतलब आप भी परेशान ना होइएगा, आप भी अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैथ अच्छी तकड़ी मतलब जबरदस्ती कठिन क्वेश्चन डाल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। इतने लेंदी लेंदी एक साथ नहीं आते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, नो डाउट की क्वेश्चन तो अच्छे दे रहा है, बट वो प्रैक्टिस पर्पज के कारण तो अच्छे हैं, बट ऐसे एकदम ऐसे दे देगा तो बहुत मतलब बहुत टाइम मैंने भी लगाया है। एक बार में आंसर भी नहीं आ रहे थे मेरे भी, और शॉर्ट ट्रैक टिप्स होंगी भैया मैं भूल गया हूँ, बट ठीक है एक बेसिक तरीके से भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। देखते हैं कितने आते हैं कितने नहीं। 5 क्वेश्चन, इससे पहले 3 छोड़े थे मेंस वाले लाइव जो आए उस आए थे लाइव टेस्ट आया था उसमें भी 5 छूटे थे। ठीक है मैं गलत भी होएंगे, थोड़ा सा नेट स्लो चलता है। बाकी 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है, दिखा दो भैया। एंड टॉप रैंकर्स के तो 200 में 200 आते हैं, आ ही रहे होंगे। 197.55 155.5 ओ हो, मैथ में कम से कम गलत तो ना होते तो अच्छा लगता। जीके सही है, इंग्लिश तो मेरा यही चलता रहता है डामाडोल। मैथ का ये मतलब मेरा असली स्कोर ऐसा नहीं है, सोचो मैथ में इतने कमाने के बावजूद मेरे इतने आए तो हमको अच्छा लगा, सही बता रहे हैं। परसेंटाइल तो चलो ठीक है। रीजनिंग का टाइम देखो 11 मिनट, रीजनिंग की स्पीड आप लोगों को बढ़ानी चाहिए, इसका फ़ायदा आपको मेंस में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और रीजनिंग का सबसे सही तरीका है सिर्फ और सिर्फ सेट लगाया करिए, लाइव भी लगाया करिए एंड वैसे भी लगाया करिए, मतलब पीडीएफ फॉर्म में भी थोड़ा सा अपना टाइमर लगा के, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे। रीजनिंग का तो सीधे सीधे तरीका है। जीके अंधी तेरे को अंधी सही हुई होंगे इस बार, एंड मैथ में 2 गलत हुए हैं आई थिंक, 18×36 हाँ 2 गलत हुए हैं, और जी इंग्लिश का तो 5 गलत हुए हैं, नंबर देख के पता चल जाता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं देन फिनिश करते हैं। एंड आप लोग के जो भी स्कोर हो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मज़ा तो नहीं आ रही बट हाँ ये तो है कि मतलब वो क्वेश्चन तो अच्छे दे रहा है, क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस पर्पज अच्छे दे रहा है, ना कि मॉक के हिसाब से वो अच्छे दे रहा है। बहुत डिफिकल्ट लेवल ले जा रहा है दिमाग एकदम। आखिरी के जो 30 सेकंड होते हैं 30 मिनट 35 से जो मैं स्टार्ट करता हूँ जब, तो जो मैथ अगर पहले देंगे तो बाकी सब सब सेक्शन हिल जाएंगे। ओके भैया भाई, और सोचो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और छूटेंगे ही,
उससे कंपेयर करूँ, क्योंकि ये तो बहुत स्मूथली चलता है टेक्स्ट बुक, बट वहाँ का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा लैग करता ही है, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि थोड़ा सा 5 मिनट पहले सॉल्व करें। जीके में ही देखते हैं पहले, रीजनिंग में तो कोई गलत हुआ नहीं है, पहले गलत वाले देखते हैं। आए कौन सी तत्व बोधनी सभा आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? अच्छा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अलग है, ब्रह्म समाज इन्होंने किया तो वो तो पता था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में करी थी, ठीक है, तो ब्रह्म समाज के चक्कर में लगा के निकल गया। मटकी डांस एमपी है फिर, क्योंकि तक क्लोज था, मालवा रीजन में होता है मटकी डांस। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्या लगाऊंगा, ये लगाता हूँ अंधी, निजाम शाही बीजापुर का नहीं है, बाद में देखूंगा, अभी आंसर दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर कॉपर, लग रहा था बट लगाया नहीं उस समय, यार स्पेशल यूज भी कर रहा हूँ उसमें, दिख भी रहा है तब भी नहीं लगाया, नीचे साइड पे प्लेट इसमें, हाँ क्या ही सही है पता नहीं, अंधी लगा हुआ, दो पेयर सही है। डिस्गस्ट का मतलब होता है मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली, जितने जरूरत में उससे ज्यादा है, ठीक है करेक्ट है। सीजनल मतलब जब जरूरत पड़ रही हो एग्रीकल्चर में, हाँ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, यही गलत होगा। स्ट्रक्चरल में द जॉब्स एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट मिसमैच बिटवीन, अच्छा स्ट्रक्चरल में होता है कि मिसमैच है, जो जॉब चाहिए उसके लिए जो स्किल चाहिए उसमें मिसमैच हो रहा है, तो दो भी सही है। साइक्लिकल बाय बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइनिंग द विद इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी का फिक्शनल था ना, इज ऑल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और सर्चिंग, थ्री इज नॉट करेक्ट, फोर भी नॉट करेक्ट है, फोर का क्या है, वल्नरेबल इनफॉर्मेबली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, देखना पड़ेगा इसको बाद में। हु इज द चीफ मिनिस्टर, मोहन यादव। और भी दिए हैं क्या एक्स्ट्रा, नहीं दिए हैं। आजा, पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन जावेद अख्तर जी को मिला है। जी आई टैग उत्तराखंड के पास कितने हैं, 18 हैं टोटल। मैथ भी गलत देखते हैं पहले तो, 4 मिनट लेने के बावजूद भी गलत कर दिया, 7-9 आ गया, दिल्ली मिस्टेक, एक तो 5 निकला ही था, 5 था 40/3, यहाँ तक तो मेरा निकला भी था यार, बट वही है जब किस्मत खराब हो तो गलत ही निकलता है, क्या निकालना था इनका एवरेज, एवरेज तो नहीं जोड़ के घटाया, मैं क्या बताना था, बोर्ड की स्पीड बतानी थी, बोट की स्पीड बतानी थी एंड मैं स्ट्रीम की बता रहा था, वाटर देख लिया, बोट की स्पीड 40/3 भी निकाला था, 5 भी निकाला था, 40/3 -5 कर रहा था बट वहाँ पे +5 रुपये आ जाना था आंसर। 4 मिनट टाइम वेस्ट, 10% लोग ही कर पाए। 6th floor, ये तो गलत किया ही था, 150 यही बना है, 60 डिग्री था तो मेरे को पहले, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो 60 डिग्री था, फोन आ रहा है, 60 डिग्री था, 60 डिग्री चक्कर में गलत कर दिया, चलो बाद में बात क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इंग्लिश में अ बिजनेस मैन एट आवर कॉलोनी, एट आवर कॉलोनी नहीं इन आवर कॉलोनी, ओके पोजीशन एरर, डिस्पाइट द डॉक्टर नो एरर, विटी सीरियस इसका एंटोनिम होता है, 22 टीनेज आप लगाना दूसरे नंबर, समटाइम्स प्लेन इंपल्सिवली एक्ट, ठीक है एबिलिटी नहीं है, आ गया 4th number, टीनेजर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल अपॉर्चुनिटी। तो ये था सॉल्यूशन बाकी क्वेश्चंस का।
एंड बाकी आपको कैसा रहे, मतलब रिलेवेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप कमेंट करके बताते रहिए इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। आज तो जिस तरीके से मूड एकदम वैसा कर दिया था, एकदम फ्रस्ट्रेटेड टाइप का थोड़ा सा, एंड प्लस ऑफिस से आके सीधे देना ना थोड़ा सा हेक्टिक भी लगता है। 6:30 बजे तक मैं घर आता हूँ एंड 7 बजे तक मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं मॉक दे पाऊँ। सोचो आधे घंटे थोड़ा सा आराम करता हूँ देन स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर सोचो जब मैं इतना टाइट स्केड्यूल फॉलो कर रहा है तो आप लोग के पास तो पूरा पूरा टाइम होता है, जो लोग वर्किंग नहीं है तो आप लोग बिल्कुल एकदम प्रॉपरली एकदम लग जाइए, टाइम मैनेज करिए, एनालिसिस जरूर करना। मैं इन 5 क्वेश्चन को बाद में जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।